हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आइए देखते हैं। फर्स्ट में हमारा कौन सा अल्फाबेट है बताइए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर Kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for हमारा एम फॉर मंकी। तो
हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे बच्चों? M for monkey, M for monkey. अब बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा? R for rabbit. तो R for rabbit के बाद क्या आएगा बच्चों? बताइए इसमें R for rabbit के बाद क्या है? S for sun. तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? S for sun. U for umbrella. U for umbrella के बाद क्या आएगा बताइए बच्चों? U for umbrella के बाद है हमारा V for van. तो बच्चों इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? V for van. X for Xmas tree. बच्चों X for Xmas tree के बाद आपको क्या बताया गया था बताइए? जी हाँ, Y for या. O for orange की बात बताइए बच्चों. O for orange की बात क्या है हमारा? P for parrot. तो बच्चों इसमें क्या फिल करेंगे हम? P for parrot. Y for yak के बाद क्या था बच्चों बताइए? ये था वाई फोर याक. वाई फोर याक के बाद क्या था हमारा? जेड फॉर जेब्रा. तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? जेड फॉर जेब्रा. अब एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश के बाद क्या आएगा बच्चों? एफ फॉर फिश. फिश के बाद क्या हमारा? जी फॉर ग्रेप्स. तो हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे? जी फॉर ग्रेप्स. अब S for sun के बाद कौन बताएगा? S for sun कहाँ है? ये रहा. S for sun के बाद क्या है बच्चों? T for tiger. तो इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे? T for tiger. अब I for ice cream. तो बच्चों I for ice cream के बाद क्या है हमारा? देखिए ये रहा हमारा आई फॉर आइसक्रीम. और इसके बाद है जे फॉर जग. तो बच्चों तो इसमें क्या फिल करेंगे? जे फॉर जग. अब डब्ल्यू फॉर वॉच. डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद क्या है बच्चों? एक्स फॉर एक्समस ट्री. तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम? लिखेंगे एक्स फॉर एक्समस ट्री. X for Xmas tree के बाद क्या आता है बच्चों बताइए? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, Y for yak. Y for yak. Z for zebra. ये ऐसे ही. Sorry, Z for zebra से फिर A for apple start हो जाएगा. अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं. अब ये हमारे बच्चों मिसिंग लेटर्स हैं, इन सभी को आपको फिल करना है. आइए देखते हैं. ए फॉर एप्पल के बाद कौन सा लेटर है हमारा? कौन सा लेटर आता है? बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा इसमें? सी फॉर कैट. सी फॉर कैट के बाद क्या आएगा बच्चों? डी. D for dog. D for dog के बाद क्या आएगा? E for elephant. E for elephant के बाद क्या है हमारा? F for fish. F for fish के बाद G for grapes. A B C D E F G
सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स के बाद क्या है हमारा, एच फॉर हैंड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग। अब बच्चों जे फॉर जग के बाद क्या है बताइए, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन के बाद क्या आएगा, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी के बाद क्या आएगा बच्चों बताइए, एम फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट। बच्चों पी फॉर पैरेट के बाद क्या आएगा, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन के बाद क्या है हमारा, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रैबिट के बाद क्या आएगा, एस फॉर सन, एस फॉर सन के बाद क्या आएगा बच्चों, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर के बाद क्या है हमारा, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला के बाद क्या आएगा बच्चों, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू फॉर वॉच, डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद क्या है बच्चों, एक्स फॉर एक्समस ट्री, और एक्स फॉर एक्समस ट्री के बाद क्या आएगा बच्चों, वाई फॉर या। बच्चों एक बार इनको शुरू से पढ़े, ए फॉर एप्पल, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेड। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हमें मैच खेलना होगा, मैच। अब बच्चों ये हमारे बड़े लेटर्स दिए गए हैं, यानी ये हमारी बड़ी एबीसीडी है, बड़ी एबीसीडी को छोटी एबीसीडी से मैच करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्या है हमारा, आर फॉर रैबिट। तो बच्चों देखिए स्मॉल लेटर्स में हमारा आर फॉर रैबिट कहाँ है, जी हाँ ये रहा। अब ये है हमारा वी फॉर वैन, वी फॉर वैन आपको कहाँ नजर आ रहा है देखिए, जी हाँ ये रहा। और ये क्या है हमारा, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला आपको कहां नजर आ रहा है देखिए मतलब बच्चों बताइए, जी हाँ ये रहा। अब एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश को एफ फॉर फिश से मैच करना है, देखिए बच्चों कहां है,
जी हाँ, ये रहा। अब है हमारा एच फोर हाउस। तो बच्चों बताइए इसमें एच फोर हाउस कहाँ है। जी हाँ, ये रहा। अब पी फोर पैरेट। बच्चों पी फोर पैरेट कहाँ है देखिए। जी हाँ, ये रहा। जेड, जेड फोर ज़ेब्रा। तो देखिए ये रहा। अब बच्चों एक्स फोर देखिए बताइए। जी हाँ, ये रहा। क्यू फोर क्वीन। तो क्यू फोर क्वीन को क्यू फोर क्वीन से मैच करना है। तो देखिए ये रहा। एस फोर सन। तो बच्चों एस फोर सन कहाँ है बताइए। जी हाँ, ये रहा। अब टी फोर टैग। बच्चों इसमें टी फोर टैग कहाँ नजर आ रहा है बताइए। जी हाँ, ये रहा। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इनमें भी हमें नई मैच करना है। एन फोर नेस्ट। एन फोर नेस्ट कहाँ है। जी हाँ, ये रहा। ओफोर ऑरेंज। ओफोर ऑरेंज कहाँ है ये रहा। पी फोर पैरेट। तो बच्चों इसमें छोटा पी फोर पैरेट कहाँ है बताइए। जी हाँ, ये रहा। अब क्यू फोर क्वीन। क्यू फोर क्वीन कहाँ है देखिए। जी हाँ, ये रहा। अब ये है हमारा आर फोर रैबिट। तो बच्चों इसमें आर फोर रैबिट कहाँ है देखिए। जी हाँ, ये रहा। एस फोर सन। तो एस फोर सन कहाँ है देखिए। ये रहा सबसे ऊपर। और टी फोर टाइगर। बच्चों टी फोर टाइगर कहाँ है देखिए। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में, ये रहा। अब यू फोर अम्ब्रेला। अब यू फोर अम्ब्रेला कौन बताएगा कहाँ है। हाँ जी बच्चों, ये रहा। अब वी फोर वैन। वी फोर वैन कहाँ है बताइए। सबसे ऊपर, ये रहा। अब डब्ल्यू फोर वॉच। डब्ल्यू फोर वॉच कहाँ है देखिए। ये रहा डब्ल्यू फोर वॉच। अब एक्स फोर एक्समस ट्री। एक्स फोर एक्समस ट्री कहाँ है देखिए। जी हाँ, ये रहा। अब वाई फोर या। वाई फोर या कहाँ है देखिए। जी हाँ, ये रहा। अब जेड फोर ज़ेब्रा। जेड फोर ज़ेब्रा कहाँ है बच्चों बताइए। जी हाँ, ये रहा। ये देखिए बच्चों, कितनी आसानी से हमने पहले तो अल्फाबेट्स किए, उसके बाद हमने आफ्टर्स किए, उसके बाद हमने मैच किए। तो बच्चों आप भी ऐसे ही कीजिएगा और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय बच्चों।